बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आज हिंदुस्तान के कोने कोने से आके आज आपने इस प्रोग्राम के, हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, हमारी खुशी के पलों में आप शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमपिता परमात्मा का कि उन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा इंसान के रूप में, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अजब गजब करने के लिए, और वो भी अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा परमपिता परमात्मा का। इसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने माता पिता का, साथियों, जिन्होंने मेरे अंदर ऐसे संस्कार डाले कि कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जिस किसी काम को करने की शुरुआत करता था उस काम को अंजाम जरूर देता था। जिस किसी काम को भी, चाहे मैंने कुछ भी काम किए, अभी कुछ बहुत सारे कामों के बारे में आपने डॉक्यूमेंट्री के बारे में सुना होगा, कुछ बताऊंगा अभी आपको। मैं किसी भी काम को करता था पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करता था। मैंने कभी उस काम में हिम्मत नहीं हारी। तो साथियों, ये संस्कार यदि कहीं से मिले तो मुझे मेरे माँ बाप की वजह से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने माता पिता का। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं यहाँ फ्रंट लाइन में बैठे अवर ग्रेट गुरु। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माधव सर, विजयपाल सर, सर लोगों के तो कहने के बहुत सारे, क्योंकि सर तो आदर्श थे, सर तो प्रेरणा के स्रोत थे। ढेर सारे लोग तो सर की रेडियो वीडियो सुन के ही कहने के लोग डायमंड बन जाते हैं। साथ ही इसी प्रकार से मुझे भी सर लोगों की ऑडियो वीडियो सुनकर ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। साथियों, इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ग्रेट गुरु, शायद वो शुरुआत में महागुरु जी शुरुआत में, साथियों कहते हैं कि यदि शुरुआत, यदि कोई भी बहुत आलीशान बिल्डिंग यदि बनने को जा रही है, उस बिल्डिंग में यदि शुरुआत की नींव कमज़ोर हो जाती है तो साथियों वो बिल्डिंग बन भी जाएगी, लेकिन उसका भरोसा नहीं है वो कब ध्वस्त हो जाए। साथियों, इसी प्रकार शुरुआत में मैं जब बिजनेस में आया था तो साथियों शुरुआत में मुझे एक कॉल के माध्यम से, या जब भी कहीं मीटिंग में जाता था तो मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे, बताते थे क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। तो साथियों, सच कहूँ, यदि शुरुआत में, यदि वो मुझे शुरुआत में मार्गदर्शित नहीं करते, मुझे नहीं छोटी छोटी चीज़ों से रूबरू कराते, तो साथियों आज ये शख्स आपके बीच में डायमंड नहीं होता। मैं चाहता हूँ अब तक की जोरदार तालियां महागुरु जी सतय सर के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां सतय सर के लिए। और इसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा साथियों राकेश सर का, अजय पंडित जी का। साथियों, ये मैंने जब बिजनेस की शुरुआत किया था, साथियों यदि मैं ये कहूँ कि मुझे किसी ने कोई ट्रेनिंग देना किसने सिखाया, तो साथियों वो एक नाम निकल के आता है, और वो नाम निकल के आता है राकेश प्रसाद सर, राकेश प्रसाद सर, राकेश प्रसाद सर। साथियों, शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें टेक्निकली रूप से जो मुझे मजबूत किया, हमेशा मतलब मैं उनके जैसा बनना चाहता था। साथियों, मैं चाहता हूँ जरूर उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए, महागुरु जी अजय पंडित जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां साथियों, थैंक यू। और साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारे फ्रंट लाइन में बैठे, हमेशा जिनसे मुझे मोटिवेट हुआ करता था, बहुत सारी छोटी छोटी मतलब जब भी कभी मैं रास्ता भटकता था तो मुझे सर लोगों से मार्गदर्शित होने का मौका मिलता था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गजेंद्र सर का, धन्यवाद करना चाहूँगा पहलवान सर का। साथियों, सर ने हमारे यहाँ नौकरी की थी, हमारे यहाँ पुलिस चौकी पे, तो सर से भी संपर्क था, तो कभी जरूरत पड़ती थी सर भी मेरे सपोर्ट किया करते थे। मैं नेगेटिव हुआ करता था, एक बार की बात है, नेगेटिव मतलब ऐसा मेरे दिमाग में विचार आए कि शायद मैं बिजनेस में डायमंड नहीं बन पाऊँगा, तो मुझे लगा, मैंने कहा उस समय सर लोगों का बहुत बढ़िया काम चल रहा था, तो गजेंद्र सर के घर में गया, जाने के बाद सर ने मुझे मोटिवेट किया, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। तो साथियों, उस दिन से फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं दमदारी के साथ बिजनेस को करूंगा, और मैंने साथियों फिर दमदारी से काम किया। तो साथियों, मैं चाहता हूं गजेंद्र सर के लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए साथियों, जोरदार तालियां। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यह हमारे बीच में, जहां मुझे हमेशा मोटिवेट होने का मौका मिलता था, पंकज सर की बात करूं, साथियों हर व्यक्ति एक दूसरे से मोटिवेट होता है, हाँ या ना, हर व्यक्ति एक दूसरे जैसा बनना चाहता है,
साथियों यदि ये कंपटीशन यदि इस मार्केटिंग में नहीं हो तो मैं कह सकता हूँ एक व्यक्ति को यदि 50 साल हो जाए तब भी व्यक्ति डायमंड नहीं बनेगा। हाँ है ना। तो साथियों पंकज सर से भी बहुत कुछ मोटिवेट होने का मौका, बहुत कुछ मोटिवेट होता था, सीखने का मौका मिलता। बत्तू सर की बात करूं, हमेशा इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई के रूप में, जब भी दिल्ली आना जाना रहता था हमेशा छोटे भाई के रूप में इन्होंने मुझे लाड़ प्यार दिया। बात करूं मेरे भाई राहुल जी, महाराज जी, साथियों हमेशा ही इन्होंने साथियों मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। जब भी मिलते थे हमेशा एक दूसरे बिजनेस को ग्रोथ बढ़ाने की बात करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं लोकेंद्र सर का। साथियों यदि कोई मेरे से ये पूछे सुनील जी आपको रजिस्ट्रेशन करना किसने सिखाया, तो वह एक ही नाम निकल के आता है, और वो नाम निकल के आता है लोकेंद्र सिंह मंदेराना जी भरतपुर से। साथियों इन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन करना सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इनका। और साथियों सबसे बड़ा धन्यवाद जिनका यदि मैं देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज बिजनेस में हूँ, जिनकी वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में साथियों ज्वाइन करने से व्यक्ति को डायमंड नहीं बनता, ज्वाइन करने के बाद में जब व्यक्ति काम करता है तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ अना ढेर सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन साथियों उतार चढ़ावों में भी बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन साथियों मैंने जब बहुत सारे उतार चढ़ाव आए आने के बाद में एक बार तो लगा कि हमेशा बिजनेस मतलब, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था तो खूब ढेर सारे दिमाग लगाता था अपना। लेकिन साथियों उस समय यदि मैं आज यदि एक बात कहूँ कि जिनकी वजह से आज मैं हूँ, जिनकी वजह से मेरे घर में खुशियाँ हैं, आज यदि मैं बात करूँ यदि मेरे घर में एक निवाला भी यदि खाते हैं तो वो साथियों उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से, यदि आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से, आज यदि मैं जो कुछ भी हूँ ऑल ओवर जो कुछ भी हूँ भगवान के सारे लोग मानते होंगे। हाँ या ना भगवान के सारे लोग मानते हैं, लेकिन कितने लोगों ने भगवान को देखा है? नहीं देखा। मैं भी भगवान को मानता हूँ लेकिन मैंने कभी भगवान को नहीं देखा। लेकिन एक शख्स नहीं शख्सियत साथियों आज जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आज उनको एज ए भगवान के रूप में मानता हूँ। साथियों यदि लोग भगवान की पूजा करते हैं, आज मैं उनकी पूजा करता हूँ, वो कहीं और नहीं मेरे ग्रेट गुरु परम आदरणीय सम्मानीय विद भी मरकरी लीडर धर्मवीर सर। मैं चाहता हूँ एक सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू। साथियों मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, और बेसिकली भरतपुर जिले के रूपास तहसील का रहने वाला हूं। शुरुआत करने में साथियों मैंने इस बिजनेस को जो फॉर्म साइनअप किया था, जो लॉगिन करते हैं ना ज्वाइन करना, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था साथियों 30 जनवरी 2013 को इस व्यक्ति ने फॉरम साइनअप किया था, और फॉरम साइनअप करने के बाद में ज्वाइन किया। साथियों शुरुआत में कोई समझ नहीं थी कि ये बिजनेस कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कोई समझ नहीं थी। इसके बाद में साथियों चूंकि मैं घर में सबसे बड़ा था 5 भाइयों में, और बड़ा होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। साथियों ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में चूंकि पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक था, मैंने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, बीएड किया, एमएड किया, एमजेएमसी पत्रकारिता में किया, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सुना भी होगा। साथियों तो शुरुआत में करने की शुरुआत तो की थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। यानी यदि मैं ऑल ओवर ये कहूँ कि मेरे शुरुआत में 2 साल तो ऐसे गायब हो गए, यानी ज्वाइन किया ना किया बिल्कुल बराबर मान लीजिए। लेकिन साथियों ज्वाइन करने के बाद में मुझे साथियों एक डायमंड शिप देखने का मौका मिला, जहाँ से मुझे ये विजन मिला कि यार डायमंड तो एक बार बनना है। और साथियों वो डायमंड से मुझे देखने का मौका मिला था 5 मई 2013 महागुरी जी सत्येंद्र सर की डायमंड शिप इसी हॉल में, इसी जेपी पैलेस में साथियों मुझे डायमंड शिप देखने का मौका मिला। और डायमंड शिप जब मैंने साथियों देखे थे तो डायमंड शिप देखने के बाद में ढेर सारे लोगों को आज भी चेयर नहीं मिली है, साथ इसी प्रकार से मुझे भी चेयर नहीं मिली थी। लास्ट में खड़ा था भाई साहब, मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ा था, और लास्ट में खड़े होने के बाद में साथियों जिस प्रकार से सर का सम्मान हो रहा था, जिस प्रकार से, और मैं साथ में मैडम के साथ आया था प्रोग्राम में,
जिस प्रकार सर का सम्मान हो रहा था, भाई साहब सम्मान को देखने के बाद में एक ही आग लगी, कुछ भी हो जाए एक बार डायमंड तो जरूर बनना है, डायमंड तो एक बार जरूर बनना है। लेकिन साथियों हालात ऐसे थे कि शुरुआती दो से ढाई साल कोई भी काम नहीं हो पाया। लेकिन साथियों इसके बाद में, क्योंकि डायमंड तो अंदर जन्म ले चुका था, अब वो मरे तो मरे कैसे। कहते हैं इंसान का जन्म दो बार होता है, पहले माँ के गर्भ में होता है और दूसरा 9 महीने की प्रोसेस के बाद बाहर होता है। इसी प्रकार डायमंड का जन्म दो बार होता है, एक तो पहले अपने स्वयं के अंदर होता है और दूसरा जब वो यहाँ ग्राउंड पर डायमंड बनता है। तो मेरे अंदर डायमंड का बीज डल चुका था 5 मई 2013 को। अब वो साथियों वो अंदर अंदर पल रहा था लेकिन काम नहीं हो पाया था, 2 से 2.5 साल बिल्कुल खराब हो गया। साथियों जब समझ आई कि बिजनेस में करना चाहिए, डायमंड तो यार बनना है, और साथियों दमदारी के साथ जब मैंने इस काम को करने की शुरुआत किया, क्यों कि विजन तो कर तो मतलब विजन तो क्लियर था कि डायमंड बनना है, लेकिन हालात की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन साथियों जब ये समझ मैंने आई कि मुझे काम करना है, लगभग 2015-15 के आसपास मैंने इस काम को करने की शुरुआत किया। और साथियों जब दमदारी से करने की शुरुआत किया तो साथियों जब मैं जाता था लोगों को फील्ड में काम प्लान वगैरह दिखाने के लिए, सबको पता है प्रोसेस तो वही रहती है, जब आप प्लान दिखाने के जाओगे तो कहेंगे अपने लोगों के पास जाओगे और अपने लोगों के पास जाओगे तो साथी अपने लोग अपने को भाव नहीं देते, हाँ या ना, अपने लोग भाव नहीं देते। और साथियों ढेर सारे लोगों ने विरोध किया, ढेर सारी समस्याएं आई, बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन साथियों क्योंकि डायमंड का जन्म तो हो चुका था, समय पहले ही खराब कर चुका था, और साथियों फिर भी लगातार काम कर रहा था और काम करते करते सिल्वर भी बन गया, गोल्ड भी बन गया, लेकिन साथियों पर्ल भी बन गया, लेकिन फिर भी चूंकि पढ़ा लिखा था दिमाग तो अच्छा खासा लगा रहा था, लेकिन दिमाग लगाने के साथ साथ साथियों डायमंड तो बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असल में मैं दिमाग भी लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, सर लोग बताते भी नहीं थे खुल के, और मैं एक ही बात कहता था मेरी कमी सर मुझे स्पष्ट बता दो, मैं समझता कम हूँ और सुनता ज़्यादा हूँ, यदि बता दोगे तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं सर लोग नहीं बताते थे, इनडायरेक्ट समझाने की कोशिश करते थे, और मैं इनडायरेक्ट की भाषा में आज भी नहीं समझता। और साथियों इस प्रकार से साथियों लगातार फिर दोबारा ऐसी समस्या आई कि यार अब ये बिजनेस नहीं हो पाएगा, पर्ल के 22 साल लेवल पर था, मैंने कहा अब ये बिजनेस मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों बहुत सारी समस्याएं थी। साथियों इससे पहले मैंने आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, मैंने ढेर सारे काम किए इस बिजनेस में आने से पहले। साथियों शुरुआत में हम और मैं पिताजी पहाड़ पर काम किया करते थे, पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। साथियों इसके साथ साथ चूंकि मेरे अंदर शुरुआत से एक जुनून तो था जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी तो बनना है, साथियों इसके साथ साथ और उसके मैंने और भी ढेर सारे काम किए, पत्थर तोड़ने के अलावा लगा, हम घर में 5 भाई और 3 बहनें हैं, 2 बहनें मेरे से बड़ी, 5 हम भाई, 1 बहन छोटी जो अभी अनमेरिड है। साथियों अभी तो इसके मतलब काम कर रहे थे, बड़ी दो बहनें थी उनकी शादी 1999 में हो गई, 99 होने के बाद में शादियों कर्जे में आ गई, तो मुझे लगा क्यों बड़ा था तो मुझे अंदर लगता था कुछ करना चाहिए। साथियों इसके साथ साथ परचुने की दुकान का भी काम किया, परचुने की दुकान भी चलाई, सभी लोग मतलब मैं स्कूल भी जाता था परचुने की दुकान भी चलाता था, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मैंने कभी खेलना नहीं देखा कैसे खेलते हैं, हमेशा ही साथियों स्कूल से घर तैयार होकर स्कूल जाना और तुरंत आके दुकान आ जाना, दुकान से स्कूल, स्कूल से दुकान। साथियों फिर भी कोई हिसाब किताब नहीं बना, लगातार और भी साथियों ढेर सारे काम किए, उसके साथ फिर सब्जी बेचने का भी काम किया। साथियों हालात ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा खराब हालात थे, कर्जा बराबर था, मैं भले ही छोटा था लेकिन अंदर अंदर लगता था कि कुछ तो बड़ा काम करना है। साथियों मैं क्लास में पढ़ाई में नंबर 1 का स्टूडेंट रहा करता था, तो मतलब हमेशा टीचर एक ही बात कहते थे बेटा पढ़ाई पढ़, और माँ बाप से कहते थे इस बच्चे को पढ़ाना। साथियों मुझे भी लगा पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन माँ बाप ने कभी साथियों मेरे को पढ़ाई को छोड़ने नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे समय आए जिस वक्त मुझे लगा पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन माँ बाप पिताजी एक ही बात कहते थे नहीं बेटा तुझे पढ़ना तो है हर हाल में, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से खानदान का इतिहास रचा जा सकता है,
बड़ी से बढ़िया नौकरी को प्राप्त की जा सकती है। साथियों, मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और मेरे पिताजी मोटिवेट किया करते थे लगातार। साथियों, सब्जी का भी काम किया। गांव में मैं और मेरा छोटा भाई सब्जी बेचने भी जाया करते थे भाई साहब, सब्जी बेचने भी जाया करते थे, लेकिन फिर भी कोई हिसाब किताब नहीं बना था। ऐसा लगा था कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसा लगा था बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। इसके साथ साथ और भी साथियों ढेर सारे काम किए। मैंने STT PCO चलाया, मैंने कहा और कुछ पैसा आ जाए। STT PCO भी मैंने चलाया। साथियों, इसके साथ पेप्सी की ग्रामीण में एजेंसी 50-60-70 रुपये की ले लेते हैं, एक एजेंसी भी मैंने लोकल वाली ले ली, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ। साथियों, समस्या बहुत ज़्यादा थी। इस बीच में साथियों मेरी शादी भी हो गई, 24 अप्रैल 2001 को शादी हो गई। हिसाब किताब और बढ़ गया, कर्जा और बढ़ गया, लेकिन अब मुझे लगा कन्फर्म अब पढ़ाई तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पिताजी एक ही बात कहते थे, बेटा तेरे को पढ़ना तो है। हालात कैसे थे या तो मैं जानता हूँ या मेरे परिवार वाले जानते हैं। भाई साहब, एक बार ऐसे हालात थे, मेरे पिताजी को 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी थी और मेरे पिताजी ने 10,000 रुपये मेरे, हमारे 9 घर का एक परिवार है, एक मेरे चाचा एक मास्टर साहब थे, उनसे 10,000 रुपये मांगे थे। माफ़ी चाहूँगा यदि आए थे आज हॉल में, बुरा मत मानना भाई साहब। उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं तेरे को 10,000 दे तो दूंगा, लेकिन तू 10,000 रुपये देगा कहाँ से, तू 10,000 रुपये देगा कहाँ से। मैं हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन मैं कर भी कह सकता था। मैं सारी चीज़ों को देखता था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए एक दिन बहुत बड़ा काम तो करना है। लेकिन साथियों, मैं लगातार करता हुआ चला गया। मैंने काम की पढ़ाई फिर भी छोड़ी। साथियों, मैं भरतपुर चला गया पढ़ाई पढ़ने के लिए। मेरे एक मित्र थे, वो मतलब रोडवेज में संविदा की नौकरी करते थे, उन्होंने बताया। मैं उससे कहता था मेरी भी कोई जुगाड़ लगा दे, क्योंकि STT वगैरह के काम में कुछ हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने साथियों मुझे संविदा पर मथुरा में रोडवेज में नौकरी लगवा दिया मुझे, और मैंने नखराम 8 साल यहाँ पर नौकरी किया। साथियों, सोचा कि नौकरी से हालात सुधर जाएंगे, संविदा की नौकरी हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हालात सुधरते कहाँ से, क्योंकि शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, 4 बच्चे भी घर में आ गए, और इसके साथ साथ साथियों खर्चा वर्चा कुछ भी कोई, मैं तो सोच रहा था घर का कर्जा वगैरह हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ भी कोई हालात नहीं सुधरे इसके साथ साथ। लेकिन साथियों, इस बिजनेस उस समय नौकरी के करने के साथ साथ, साथियों नौकरी 8 साल मैंने की, फिर मुझे नौकरी से लगा बड़ा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा था। पढ़ाई को बराबर कंटिन्यू करता हुआ चला गया और पढ़ाई को करते करते साथियों ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरा BEd हो गया। जिस समय मेरा BEd हो गया, तो उस समय जब मेरा BEd हुआ था साथियों, अब मुझे पक्का लग गया कि अब तो MA भी हो गया था, BEd भी हो गया था। साथियों, अब तो पक्का नौकरी करूंगा, तो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करूंगा, अन्यथा साथी नौकरी को नहीं करूंगा, मुझे लग गया था ये। और साथियों, इसके बाद मैंने साथियों फिर नौकरी की तैयारी भी कर रहा था, और नौकरी भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, और ये रोडवेज की नौकरी। साथियों, 2012 में हालात के चलते, क्योंकि साथियों अब एक ही उद्देश्य था, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की सैलरी और फर्स्ट ग्रेड की नौकरी अट्रैक्टिव होती है। और साथियों, इसके बाद रोडवेज में बनने लगने लगा। हालात बनने के साथ साथ साथियों नौकरी से भी नमस्ते हो गई। इसके साथ साथियों समस्या फिर थोड़ी सी और बढ़ी, लेकिन लक्ष्य बड़ा था कि नौकरी करनी है तो फर्स्ट ग्रेड थी, अन्यथा नौकरी साथियों छोटी मोटी नहीं करूंगा। और साथियों, MGMC भी मेरा हो गया, तो स्पिरिट में MGMC पत्रकारिता लाइन में, और साथियों फिर वापस गांव आया और दैनिक भास्कर की मैंने एजेंसी को लिया, और एजेंसी को लेने के साथ साथ उसमें साथियों मैंने पत्रकारिता को भी करना शुरू किया। अब पत्रकारिता को करना भी शुरू किया और इधर में तैयारी भी कर रहा था, लेकिन आंखों में सपना एक ही था, बहुत बड़ा आदमी बनना है। ढेर सारे काम करने के बावजूद भी साथियों, ये कभी ऐसे मैंने सोचा नहीं। पता नहीं, एक ही बात कहता, हे भगवान कोई मौका तो दे। और साथियों अंदर अंदर लगता था कि कोई मौका तो है। और साथियों, जब ये प्लान साथियों मुझे मिला था, तो मेरे भाई मिस्टर सोनेंद्र जी शायद इसी हॉल में होंगे। मिस्टर सोनेंद्र जी, मैं चाहता हूँ इनके लिए एक जोरदार तालियां साथियों। अब तक की सबसे जोरदार तालियां।
साथियों इनके माध्यम से मुझे प्लान मिला था, और साथियों प्लान मिला मिलने के बाद में मैंने आगे की कहानी तो आपको बताई साथियों क्या क्या फिर समस्याएं आई, और साथियों लगातार काम करता हुआ चला गया। लगातार काम करते करते साथियों काम करते करते भी बहुत सारी समस्याएं आई, टीम बनी। मैंने सबसे ज़्यादा जो काम शुरू किया था साथियों रूरल से किया था, ग्रामीण क्षेत्र से मैंने काम करना शुरू किया था, और ग्रामीण क्षेत्र के चलते मुझे समय बहुत ज़्यादा लगा। क्यों? ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, टीम बनती है और टीम टूटती भी है, टीम बनती है टीम टूटती भी है। आप 6 महीने काम करोगे और साथियों इसके बाद खेती वाला आदमी खेती में चला जाएगा, सारी टीम आपकी जीरो हो जाएगी। और साथियों यदि कोई सबसे बड़ा मास्टर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का यदि कोई शख्स है तो मैं कह सकता हूँ मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति होगा जिसने सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में काम किया हो। सबसे ज़्यादा ढेर सारी कई बार टीम बनी टूटी, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन साथियों मैंने हमेशा लोगों से रिलेशन बनाने में ध्यान रखता था, हमेशा लोगों से रिश्ते बनाने में ध्यान रखता था, हमेशा कभी काम चल रहा है नहीं चल रहा है, टीम भी कई बार टूटी, लोग टूट टूट के दूसरे कंपनियों में चले गए, लेकिन साथियों क्योंकि वो 20 तो 5 मई 2013 को इसी हॉल में डल चुका था, तो साथियों कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ। विचार आते जरूर थे लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हुआ साथियों, दमदारी के साथ कर दो चला गया। टूटी फिर टीम बनी। इस बीच में साथियों ढेर सारे लोग गए भी, लेकिन मेरे साथ में साथियों कंधे से कंधा मिलाकर मेरे जो लीडर जो दमदारी के साथ मेरे साथ दिन रात हमेशा मेरे साथ बने रहे साथियों, उनके साथियों टीम भी दूसरी कंपनियों में चली गई, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, सर हर हाल में हम डायमंड बनेंगे और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और साथियों मैं ज़रूर उनके एक बार स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, मिस्टर यशपाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी और सोमवीर जी, मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरदार तालियाँ हो जाए कि साथियों उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और एक ही बात कही कि सर कुछ भी हो जाए जहाँ आपका पसीना गिरेगा खून बहाने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा टाइगर साहब जहाँ आपका खून नहीं जहाँ आपका पसीना गिरेगा ये वक्त ये शख्स वहाँ खून बहाने के लिए तैयार है। और साथियों वो शख्स ये मेरे बीच में है, एक बार स्टेज पर आइए, यशपाल जी और सोमवीर जी स्वागत है आपका। साथियों ये वो टाइगर्स हैं जिन्होंने दमदारी के साथ मेरा साथ दिया, और हमेशा ही साथियों परिस्थितियाँ कैसी भी रहीं लेकिन इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा साथियों, मेरा साथ नहीं छोड़ा। चाहे बिजनेस अप हुआ डाउन हुआ हालात कैसे भी रहे लेकिन साथियों इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, क्योंकि साथ हो सकता है ये मेरा साथ उस वक्त छोड़ जाते, ये वक्त मेरा साथ छोड़ जाते तो हो सकता है कि साथियों मैं भी हो सकता है एक बार को सॉरी बोलने की कंडीशन में आ जाता। भाई मैं चाहता हूँ मेरे टाइगर्स के लिए एक बार जोरदार तालियाँ हो जाए टाइगर्स के लिए। साथियों आज यदि मैं ये कहूँ कि आने वाले समय में, अभी ज़्यादा समय नहीं, अभी ये तीनों बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं, रूबी के किनारे पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत कम की वजह से आज रिकग्निशन नहीं हो पाया है। और साथियों अभी ये भी इसी 2022 के कन्फर्म डायमंड हैं साथियों, ये तीनों डायमंड हैं। भाई मैं चाहता हूँ ये मेरे दमदार टाइगर्स के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियाँ हो जाए साथियों। मैंने हमेशा इनके साथ जोड़ी बना के काम किया, साथियों हमेशा इनसे रिश्ते बनाए। हमेशा कभी कभी विचारों में भी थोड़ा बहुत अंतर आता था, कभी मैं झुकता तो कभी ये झुकते। क्यों साथियों एक घर में पत्नी भी जब आती है तो वहाँ पर भी पति पत्नी वो एक बार से एक दूसरे को नहीं समझ पाते, लेकिन साथियों वहाँ भी थोड़ी बहुत अनबन होती है, हाँ या ना, यहाँ पर भी अनबन होती है, क्योंकि हर एक लीडर एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाता है। लेकिन साथियों हमने एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन साथियों आज इतना समझ चुके हैं कि साथियों आज हमारा ये तीनों का आज वो कहते हैं कि चोली दमन वाला साथ, इधर तो एक जोड़ी पत्नी के साथ, उधर एक जोड़ी ये मेरे दमदार टाइगर्स के साथ। मैं चाहते एक बार जोरदार ताली हो जाए इतने के लिए। गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक
आके मेरी जिंदगी सवारी। एक बार मैं सर को स्टेज पर कॉल करना चाहूंगा, परम आदरणीय सम्मानीय आज जिनकी वजह से मैं हूँ धर्मवीर सर, जोरदार ताली एक बार साथी सर के लिए। जोरदार तालियां साथियों। आज साथियों मैं जो भी हूँ आज जाने की वजह से आज मेरी ये बेल्ट आज सर के चरणों में साथियों। बैठा दिया फलक पे मुझे हाथ से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे हाथ से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। साथियों हमेशा जोड़ी बना के काम किया, हमेशा बहुत सारे लोग थोड़ा सा अप डाउन होता है एक दूसरे का साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन साथियों हमेशा मैंने भी समझने की कोशिश की क्योंकि साथियों 20 तो डल चुका था 5 मई 2013 को, वक्त जरूर लगा, समस्याएं ढेर सारी आई। मैडम ने अभी आपको बताया भाई साहब पैसे नहीं हुआ करते थे, बच्चों की फीस तक मैडम के गहने बेच बेच के फीस भरी, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आई। एक अंगूठी बनवा ली थी मैंने रोडवेज की नौकरी में, गलती से किसी को नहीं पता, मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता, ना मम्मी को ना पापा को, किसी को नहीं पता, मैडम को भी नहीं पता, क्योंकि एक मित्र नौकरी करता था तो साथ में ही मथुरा में नौकरी करता था, और साथियों तो ऐसे करके अच्छी खासी मित्रता थी, संपर्क आज भी हैं, उसको भी साथियों मैंने बेचना पड़ा। एक बार दिशा में जाने का मौका मिला तो उस वक्त मैंने उसको भी बेचा। मैंने काम किया, अपनी दम पर काम किया, सर का आशीर्वाद था, ढेर सारी जगह किराए पर रहा, रूम ले लेके रहा, भाई साहब इतना स्वाभिमानी था, आज तक 2 रुपए की सपोर्ट की भी मैंने कभी उम्मीद नहीं की। बहुत सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं, मैंने आज तक काम किया है, मैंने भाई साहब पैसे नहीं हुआ करते थे, कर्ज ले लेके मैंने काम किया, कर्ज ले लेके एमरल्ड लेवल तक कर्ज ले लेके काम करता था, कर्ज ले लेके सर बताते थे डायमंड शिप पे आना है, इतने पास लेने हैं, भाई साहब मैंने कभी अपलाइन के सामने रोया नहीं कि सर पैसे नहीं है, कभी रोया नहीं, चाहे छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो चाहे किसी के कंट्रीब्यूशन की बात हो, क्या करना सर ये करना है इंतजाम करने में लग जाता था, कभी नहीं रोया क्योंकि मुझे पता था
कि एक दिन तो स्टेज पर आऊंगा और दहाड़ के आपके बीच ये मैं बोल पाऊंगा, आज बोल पाऊंगा। आज गुरु लोग भी फ्रंट में बैठे हैं, सर लोग भी बैठे हैं। आज तक एक रुपये की सपोर्ट की उम्मीद नहीं की, बहुत सारे लीडर उम्मीद करते हैं सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और इस उम्मीद के चक्कर में बहुत सारे लोग अलविदा टाटा सिप सब को चले जाते हैं। साथियों बहुत सारी समस्या आई, ऐसा सा वक्त भी आया 6-6 महीने तक एक रुपये का चेक नहीं बनता था, 7-7 महीने तक 1 रुपये का चेक नहीं बनता था, लेकिन इस व्यक्ति के चेहरे पे कभी भी एक बार भी ये नहीं टीम के सामने मैंने महसूस होने दिया कि इसका चेक बन रहा है किसका चेक नहीं बन रहा है, कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया मैंने। कटोरा भर देते हैं बहुत सारे लोग टीम के सामने जब थोड़ा सा भी बिजनेस अपडाउन होता है, कभी भी ऐसे हालात मैंने कभी भी टीम के सामने, हमेशा मेरी टीम एक ही बात देखते थे, सर तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। महागुरु जी बता रहे थे कि इसके पीछे कितने जाले हैं, वो तो जब जाएंगे तभी पता चलेगा, है या ना साथियों। और भी बहुत सारे ऐसे वक्त आए, बहुत सारे ऐसे वक्त आया, 2-2 दिन लगातार बिना खाना खाए हो जाते थे, बिना खाना खाए हो जाते थे। सुबह 5 बजे रूम से निकलना और रात के 12 बजे रूम में घुसना, और साथियों खाने के दर्शन नहीं हो पाते थे। एक आध बिस्किट का पैकेट मिल जाए तो खा के सो गए, नमकीन का पैकेट मिल जाए खा के सो गए, ऐसे ऐसे हालात थे। लेकिन साथियों सपना एक ही था, डायमंड तो बनना है, कुछ भी हो जाए। कभी भी साथियों बिजनेस को लेके मैं नेगेटिव आज तक नेगेटिव नहीं हुआ। व्यक्ति को लेके हो सकता हूँ, वस्तु को लेके हो सकता हूँ, कभी भी कंपनी को लेके बिजनेस को लेके नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि समस्या मेरे सामने बहुत ज़्यादा थी, समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। अन्यथा साथियों शायद मैं बिजनेस को पहले से ही छोड़ के भाग जाता, हाँ या ना, बिजनेस को छोड़ के भाग जाता। साथियों कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, चलता चला गया, हमेशा सर लोगों को देखता था। आज सर लोगों का अचीवमेंट आया है, आने वाले कल मेरे पास भी आएगा। आज सर लोगों की गाड़ी आई है, मेरे पास भी आएगी। सर लोगों का मकान बना है, मेरा भी मकान बनेगा। ढेर सारे अचीवमेंट सर लोगों को देख देख के मोटिवेट हुआ करता था, क्योंकि ये तो भरोसा था। सर लोगों ने एक बात बताई थी, आने वाले कल में जो अपलाइन का है वो आने वाले कल में अपलाइन का नहीं, वो टीम का है। और लगता था एक दिन सारी चीज़ मेरे पास भी आएगी। और साथियों लगातार चलता चला गया, रुका नहीं। परिस्थितियाँ बहुत सारी आई लेकिन रुका नहीं, चलता हुआ चला गया। और चलते चलते साथियों बिजनेस में सिल्वर से लेके गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी तक की यात्रा के बाद आज आपके बीच में डायमंड ग्रुप में उपस्थित हूँ। साथियों आज डायमंड ग्रुप में उपस्थित हूँ। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेमिनार कैसे जाएंगे सर अटेंड नहीं करते। भाई साहब जिस जगह रहता था आगरा अवध बैंकट हॉल 45 किलोमीटर, मंडई वेन्यू तो यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है वेन्यू, मेरे गांव से लेकर वेन्यू 70 किलोमीटर। गांव से आता था, लोगों को भर भर के लाता था ट्रेनिंग में सेमिनार में। 60 किलोमीटर दूर मैजिक में भर के लाता था 16 सवारी, 4 आगे, 4 ऐसे, 4 ऐसे, 4 पीछे। ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, एक भी सेमिनार को नहीं छोड़ा, एक भी कोर्ट ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा। फंक्शन की बात है, दमदारी के साथ प्रमोशन करता था। और डायमंडशिप की बात आए, दमदारी के साथ हर डायमंडशिप में मेरे पर्सनल लोग बैठा करते थे साथियों, 10-15 लोग तो पर्सनल मेरे बैठा करते थे हर डायमंडशिप प्रोग्राम में, चाहे कंट्रीब्यूशन कितने का ही हो,
मुझे पता है, अरे आज मुझे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आने वाले कल में जब मुझे कोई एक हीरा मिल जाएगा तो साथियों आज जो मेरा इन्वेस्ट सब वसूल हो जाएगा, सब वसूल हो जाएगा। और साथियों यही हुआ, आज ढेर सारे मुझे हीरे मिले और साथियों इनके साथ साथ चलता हुआ चला गया और आज साथियों उस मंजिल को मैंने प्राप्त किया। सिस्टम की किसी एक्टिविटीज को नहीं छोड़ा, किसी भी एक्टिविटीज को नहीं छोड़ा और हमेशा जोड़ी बना के काम किया। सर लोग जैसा बोलते थे साथियों, जिस समय पर्ल पे था ना, मैं बताया था आपको बिजनेस इधर उधर मतलब समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो सर का उस समय आशीर्वाद मिला था मुझे, धर्म भी सर का आशीर्वाद मिला था। और जिस दिन से सर का आशीर्वाद मिला है साथियों, मेरे दिन दोने और रात सोलह गुने उन्नति होते चली गई और लगातार साथियों उसके बाद में कभी भी साथियों बिजनेस डाउन नहीं हुआ और लगातार साथियों काम बढ़ता हुआ चला गया। इस सिस्टम की वजह से साथियों आज ये सफलता मिली, ढेर सारे अचीवमेंट भी मैंने यहाँ से लिए, ढेर सारे अचीवमेंट मैंने यहाँ से लिए साथियों, सिस्टम की वजह से। जब मैंने काम करने की शुरुआत किया था, काम करने के ठीक डेढ़ साल बाद मैंने कार खरीदी साथियों अपने लिए, फोर्ड की टॉप मॉडल इको स्पोर्ट 12 लाख रुपए की। पहली मैंने डेढ़ साल बाद काम जिस समय करने की शुरुआत किया था, उसके बाद में डेढ़ साल बाद 12 लाख की कार खरीदी। सपना होता है ढेर सारे लोगों का मोबाइल चलाने का, भाई साहब 1,01,000 का मैंने एक मोबाइल खरीदा अपने लिए 1 मार्च 2018 को, 1 मार्च 1,01,000 रुपये का आईफोन मोबाइल खरीदा। इस बिजनेस की वजह से ढेर सारे सपने, चश्मा लगाता था वो चश्मा वाला था जो 99 रुपये वाला, 99 रुपये वाला, 99 से कम नहीं खोजा तो कम नहीं। लेकिन आज ये शख्स आज आपके बीच में साथियों वो रखा है वहाँ टेबल पर सामने, 16,783 रुपये का चश्मा लगाता है, 16,783 रुपये का, 16,783 रुपये का। आज साथियों आज ये शख्स सर एक बार उसमें आए थे सेमिनार में, सर ने बताया था 30,000 का पेन, सत्येंद्र सर ने बताया था 30,000 का पेन। मैंने कहा अपना लोग हो सकता है शायद फेंकते होंगे थोड़ी बहुत, ऐसा लगता था मुझे, बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा साथियों। अभी मैं 2020 में वहाँ गया था सूरत में, मैंने कहा शायद पेन मिल जाए, नहीं मिला। लेकिन अभी सर साथ में थे तो साथियों ये जो पेन खरीदा 11,340 रुपये का एम्बेसी मॉल से साथियों, वहाँ देखा 1,01,000 रुपये के पेन, 1,01,000 रुपये के पेन, सबसे गरीब वाला पेन यही था। सर तो पंकज सर कह रहे थे क्या यार पेन खरीदा है, ये खरीद 26,000 रुपये वाला। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा लेवल और बढ़ने दो तो खरीद लूँगा, थोड़ा और बढ़ने दो खरीद लूँगा। साथियों इसी बिजनेस की वजह से और भी ढेर सारे अचीवमेंट लिए, इसी व्यवसाय की वजह से गांव में पढ़ते थे बच्चों को उठा के शहर में शिफ्ट किया, अच्छे स्कूल में आज मेरे बच्चे पढ़ते हैं। इसी व्यवसाय की वजह से आज मेरा बेटा IIT की तैयारी कर रहा है, भाई साहब 1 साल का ही खर्चा उसका 3.5 लाख रुपये का है, अभी इसी साल का 3.5 लाख रुपये का 1 साल का। और भरतपुर के सॉप टॉप स्कूल पर 4 बच्चे मेरे पास में, बहुत सारे लोगों से सीनियर होंगे बच्चों के मामले में, उम्र 36 साल और 4 बच्चे। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी, कब हो गई थी 16 साल की उम्र में, और शादी भी जो मैडम ने अभी बताया 4 भाइयों की हुई थी हमारी, 2 हमारे और 2 हमारे ताऊजी के, क्योंकि पिताजी को ऐसा लगता था हालात गरीब थे कि बेटा खूब रह जाते हैं बिना शादी के, ऐसा ना हो कि अपने बच्चे रह जाए, तो साथ में ही निपटा दिया। भाई साहब दूल्हा बना था सूट, मैंने पिताजी से कहा था सूट सिलवा दो, सूट जब सूट पहनेगा, पैसा नहीं था। अरे मैंने कहा सफारी सूट ही सिलवा दो, पैसा नहीं था। साथियों क्या फर्क पड़ता है, उस वक्त पैसा नहीं था, लेकिन आज साथियों ये शख्स आपके बीच में, साथियों मेरे पास एक नहीं सर इस बात के प्रमाण हैं, सर बताएंगे इस बात को। सर बताइए आज कितने सूट होंगे, सर कितने सूट देखे थे? ब्लैकबेरी के 20 सूट इनके पास में, मैंने खुद देखे इनके घर पे जाके। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी थैंक यू रंगी बनाने आया पैसा। और जब से सर लोगों ने अपने कंपनी के उसकी बात बताई साथियों, रेमंड के भी ढेर सारे सूट सिलवा के पटक दिए। आज मेरे साथ में कम से कम 30 से ज्यादा सूट है भाई साहब मेरे साथ में, क्या फर्क पड़ता है। साथ ही में साला सफारी सूट पहनने की भी औकात नहीं थी,
लेकिन आज शख्स एक एक सूट की कीमत 25-25 हज़ार रुपये है भाई साहब मेरे पास में 25-25 हज़ार रुपये। इसी व्यवसाय की वजह से साथियों ढेर सारे सपने पूरे किए। घड़ी की बात आती थी घड़ी की 2,52,400 रुपए की भाई साहब 2,52,400 रुपए की घड़ी भाई साहब रेडो सर लोगों ने मना किया था। सेब शॉप की भी है पेन तो उसी के हूँ लेकिन ये तो सिर्फ सेब शॉप की ताकत दिखाने के लिए खरीदे भाई साहब सेब शॉप की ताकत। आज मेरा बेटा भी घड़ी को पहनता है सेब शॉप की घड़ी पहनता है इसी व्यवसाय की वजह से। अभी साथियों मेरे को मकान की जरूरत थी घर की जरूरत थी घर की जरूरत थी। सर लोगों ने तो कार खरीदी 50 लाख की तो सर लोगों के पास तो बढ़िया पहले से घर ठीक ठाक है लेकिन साथियों मुझे जरूरत थी तो मैंने कहा मुझे घर लेना है। साथियों अभी ये शख्स आपके बीच में बैठा है 48 लाख रुपए के मकान का यानी मकान को बुक करा के और यानी खरीद लिया है 48 लाख रुपए का मकान जयपुर में खरीदा भाई साहब जयपुर में 48 लाख रुपए का 48 लाख रुपए का भाई साहब को रंगी बनाने आया पैसा अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा सपने तेरे सच्चे कर थैंक यू आया पैसा थैंक यू। साथियों एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भरोसा दिलाता हूँ भाई साहब चलते रहना रुकना मत। 2015 से 2020 कोरोना आ गया पूरा 2 साल गायब। गायब कैसे हुआ बना पहले तो बना फिर बिगड़ गया और फिर थोड़ा सा बना दूसरे साल आ गया फिर बिगड़ गया। लेकिन साथियों 2 साल इसमें निकल गए पिछले 2 साल उसमें निकल गए 15 और 5 20 2 साल कोरोना में निकल गए। और साथियों आज मैं आपके बीच में यदि कहूं कि ऑल ओवर मेरे को वक्त कितना लगा डायमंड बनने में तो उससे ज़्यादा नहीं 5 साल मैं आपके बीच में डायमंड बन गया भाई साहब 5 साल में डायमंड बन गया आपके बीच में 5 साल में डायमंड बन गया। क्योंकि ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्वाइन आपने कब किया काम करने की शुरुआत आपने कब किया ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो साथियों आज मैं इस बिजनेस में यदि मैं यही बात कहूँ कि भाई साहब सबसे बड़ा शीर्षक क्या है रुकना मत चलते रहना अपलाइन की बात मानना जोड़ी बना के काम करना लोगों से रिश्ता बनाना चाहे टीम के साथ एक बार रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे उनको इग्नोर मत करना क्या फर्क पड़ता है आज उसके साथ रिजल्ट नहीं आ रहे लेकिन आने वाले कल में वही व्यक्ति आपका डायमंड साबित हो सकता है वही व्यक्ति आपका डायमंड साबित हो सकता है। साथियों इसी व्यवसाय की वजह से मेरे को शादी में एक अंगूठी मिली थी पतली सी मेरे ससुराल पक्ष के बैठे हैं बरामद मानना पतली ठीक है सर लोगों को अंगूठी मैं सर से प्रभावित होता था अंगूठी मुगूठी मैंने कुछ भी हो जाए साला एक दिन आएगा अपन भी पहनेगा। और भाई साहब आज वो दिन आ गया चुन चुन के सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। और भाई साहब अभी तो ये शुरुआत क्या है ये अरे अपन तो 50 लाख वाले प्लान के डायमंड हैं आप तो अभी 1 करोड़ के प्लान में हो हाय ना 1 करोड़ के प्लान के डायमंड हैं। तो भाई साहब आने वाले कल में जो भी डायमंड बनेगा भाई साहब मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू से कम का डायमंड तो किसी कीमत में बन ही नहीं सकता है। घर भी होगा कार भी होगी सब कुछ आपके पास होगा। भाई साहब नौकरी करता था उस पीरियड में खास इनकम नहीं थी पत्रकार तलान में खास इनकम कुछ भी नहीं था जीरो बराबर ऐसे मान के चलिए। साथियों पहला चेक आया था मेरा 965 रुपये का नहीं 935 का आया था 65 रुपये करते थे चार्ज के 935 का एक चेक। लेकिन साथियों आज वही चेक 1 सप्ताह का 1.25 लाख रुपये में बदल गया भाई साहब 1.25 लाख रुपए में बदल गया वही चेक 1.25 लाख रुपए में बदल गया। साथियों बस रुका नहीं चलने के लिए तैयार हैं। और साथियों यदि मैं आज कहूँ आज सबसे ज़्यादा मेरे नेटवर्क में यदि कोई प्रोडक्ट प्रमोट होता है तो श्रीमद् भगवद गीता जी का मेरे नेटवर्क में सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है भाई साहब
श्रीमद् भगवद गीता जी का सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है। और साथियों, आज मेरे नेटवर्क में जितनी भी सेल जाती हैं, हर एक भी ज्वाइनिंग ऐसी नहीं होगी जिना बिना टूल्स के ज्वाइनिंग हो। प्रत्येक ज्वाइनिंग के साथ टूल्स जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें साथियों, जिन बातों का हमें ध्यान रखना है और इनको करते चले जाएंगे तो आने वाले कल में ये डायमंडशिप आपको भी मिलेगी। तैयार हैं? तैयार हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद अगेन देना चाहूँगा महागुरु जी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येन सर, राकेश सर, अजय पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साथियों, मैं सच कहूँ सर, लोग यदि शुरुआत में साथियों मुझे मजबूत नहीं करते तो वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाता भाई साहब, मैं वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाता। सबसे बड़ा सिरे यानी अंदर जो ठोक ठोक कर डायमंड जो तैयार कर दिया था वो साथियों यही थे और इसके बाकी की प्रोसेस तो आज गुरुजी के माध्यम से हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार चाहूँगा सर लोगों के लिए जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। तैयार हैं? मिलके काम करने को तैयार हैं? टिकने को तैयार हैं? एयरटेल के प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? आज मेरे घर में भाई साहब जो भी सामान सेफ शॉप का है अधिकांश तो यूज होता है। मैडम को पूछ सकते हैं, रिटेल का जो भी सामान मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ शॉप का यूज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देना चाहूँगा। और साथियों, ये जो सम्मान मेरा अकेले का नहीं, गुरुजनों का आशीर्वाद और साथियों ये जो मेरा सम्मान है, आज मेरी प्यारी टीम जो आज विश्व विजेता टीम है, विश्व में सबसे नंबर वन की टीम बनने वाली है और इंडिया में आज सबसे नंबर वन की टीम है, ये सारा सम्मान आज मेरी पूरी टीम को समर्पित है, पूरी टीम को समर्पित है साथियों मेरा सम्मान। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी वाले को यहीं विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।